चलिए दोस्तों, आज अपने 11E की स्विच रिपेयरिंग करेंगे। वैसे तो ये खराब होती है तो लोग नए ही डाल देते हैं। वैसे तो ये स्विच के अंदर कुछ ऐसा है नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मतलब 220 में 226 में जो रेगुलेटर आता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम सादी सिंपल स्विच है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गई है। तो चलिए अपने इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। ये स्विच दोस्तों 300 या 350 के आसपास की आती है ये स्विच, इतना कुछ है नहीं जितनी कीमत है उसमें, पर खाली नाम उसमें बड़ा है, 11E की स्विच है, बड़ा मशीन है, महंगा मशीन है, इसके लिए स्विच भी महंगी है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई रेगुलेटर स्पीड कंट्रोल वाला ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों, जो ये दोनों पट्टी है वो अंदर चिपक जाती है या नीचे और वापस उठ नहीं पाती, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए सिंपली हमें ये निकाल देना है। फिर दो पट्टी निकलेगी ऐसे, ये भी निकलेगा। तो अपने क्या करना है, ये पॉइंट को साफ कर देना है दोनों बाजू का, और यहाँ पर जो दो पॉइंट है वो भी साफ करना है। वैसे दोस्तों मैंने अभी अभी साफ करके फिटिंग करके देखा, टेस्ट करके स्विच चालू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो भी बना डाले, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब पर है नहीं ये स्विच का, तो किसी को हेल्प हो सके रिपेयरिंग करने के लिए, इसलिए मैंने दोबारा खोली आपको बताने के लिए। तो मैंने ये साफ स्विच कर लिया है पहले, ये सब के ऊपर मैंने पेपर लगा दिया है। तो अभी खाली आपको मैंने खोल के फिट करने के लिए दिखाया है कि ऐसे होता है। तो चलिए अपने फिर से फिट करते हैं। इसको सिंपली ऐसे बिठा देना है दोनों को, यहाँ पर इसका दिया हुआ है ग्रो, तो इसको ऐसे बिठा देना है ऐसे। और जो ये पत्ती है इसको यहाँ पर बिठाने का, यहाँ पर जो ये ग्रो लगा हुआ है ये यहाँ लगेगा ऐसे, फिर यहाँ पर थोड़ी नोक जैसा लगा हुआ है, तो वो नोक कहाँ पर आएगी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ ऊपर एक होल है, ये होल के अंदर ये जाएगा ये ऐसे बराबर, और ये ऐसे लग जाएगा, ऐसे लगाना है बराबर। तो अपने फिटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको फिटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये इजीली ऐसे बैठ गया,
ऐसे बिठाना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे फिटिंग हो गया। अब जैसे अपने दबाएंगे तो स्विच उठ गई ऊपर, मतलब ये ऑफ हो गया। जैसे दबाएंगे वैसे तो ऊपर फिट करना पड़ेगा, तो ये रहेगा। इसको यहाँ लगा देंगे, फिर इसके कवर को ये भी देख लेना है, टाइट तो नहीं है ना, बराबर वर्किंग कर रहा है। इसको बैठा देते हैं। फिटिंग तो कर दिया दोस्तों, अभी चलिए अपने चेक करते हैं सीरीज पे। वैसे वर्किंग तो कर रही है, देखते हैं। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ सीरीज बोर्ड के ऊपर। ये पॉइंट बराबर वर्किंग कर रहा है। ये भी वर्किंग कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक भी रुपये का खर्चा किए बिना अपने ये स्विच रिपेयर हो गई, नहीं तो 300 रुपये की या तो 350 रुपये की नई लानी पड़ती। चलिए दोस्तों, आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।